तो दोस्तों गर्व से कहिए कि भारत ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन चुका है और जर्मनी जो कि अभी तक एक छत्र राज चला रहा था उसका फाइनली ताज भारत ने छीन लिया है। अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब ये ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया गया था कि भारत की पॉपुलेशन चाइना को सरपास कर चुकी है, तो इसके बाद जर्मनी की एक मैगजीन में एक पाकिस्तानी मूल के कार्टूनिस्ट ने भारत का मजाक बनाते हुए कार्टून छापा था, वो हम सभी को याद है, जिसमें भारत और चाइना की ट्रेन्स को आपस में कंपेयर करके बताया था। भारत की ट्रेन्स जो थी वो पुराने जमाने की दिखाई दे रही थी, ओवरलोडेड थी, और वहीं पर अगर आप चाइना की बात करें तो चाइना की शानदार मॉडर्न टाइप की बुलेट ट्रेन्स थी। तो वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि आपकी केवल मॉब बड़ी है लेकिन चाइना के अंदर क्वालिटी है और इसे अचीव करना शायद भारत के बस में नहीं है, इसी तरह का कुछ उसका मतलब था। हालांकि इसके बाद जर्मनी के जो एम्बेसडर भारत में है उन्होंने इन भाई साहब को आईना दिखाया और कहा कि आप कभी दिल्ली आइए और भारत की रेलवे सिस्टम को देखिए, कई मामलों में भारत का रेलवे सिस्टम जर्मनी के रेलवे सिस्टम को भी पछाड़ता है, दिल्ली की मेट्रो वगैरह देखिए, सारी कुछ चीजें आपको वर्ल्ड क्लास मिलेंगी। हालांकि अब इससे भी आगे बढ़ने का समय आ चुका है और भारत के रेलवेज में बहुत सारे विकास के काम अलग अलग तौर पर किए जा रहे हैं। कई सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको पिछले कुछ दिनों से लगातार बता रहा हूं, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि डिफेंस वगैरह और दुनिया भर की तमाम फील्ड देख लीजिए, इन सभी में सबसे ज़्यादा अगर हम लोग फोकस कर रहे हैं तो वो है हमारा रेलवे सिस्टम। अभी यहां पर दोस्तों भारतीय रेलवे का एक लक्ष्य है कि 2030 तक जीरो एमिशन की ओर बढ़ा जाए, यानी इसके बाद इंडियन रेलवे की कोई भी ट्रेन डीजल पर आधारित नहीं होगी, सारे डीजल इंजन हटा दिए जाएंगे और सभी ट्रेन्स को इलेक्ट्रिफाई किया जाएगा, ताकि हर परिस्थिति में 2030 से पहले पहले हमारा इंडियन रेलवे नेट जीरो को प्राप्त कर सके। लेकिन दोस्तों कई सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं और वो चैलेंजेस हमारे लिए जनरेट करते हैं भौगोलिक कंडीशंस। कुछ जगहें ऐसी भी है जो कि बहुत ज्यादा दुर्गम इलाके हैं, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और उन एरियाज में चलने वाली ट्रेन्स को इलेक्ट्रिफाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, घास के ढेर से सुई को ढूंढने के बराबर। तो अब ऐसी परिस्थिति का सामना भला कैसे किया जाए, यानी हम लोग डीजल इंजन हटाना चाहते हैं और इलेक्ट्रिफाई करना भी चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि आप इलेक्ट्रिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि भौगोलिक कंडीशंस आपके खिलाफ जाती है, तो इसका कोई दूसरा माध्यम ढूंढना जरूरी है। तो इस क्षेत्र में बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन ट्रेन्स सबसे बढ़िया अल्टर के तौर पर साबित होगी, और इस समय मैं आपको बता दूं कि दुनिया में केवल जर्मनी ही एकलौता ऐसा देश है जहां पर हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स चलती है। लेकिन अब खबर इसी को लेकर निकल कर आई है कि भारत के अंदर भी ये चीजें बहुत ही जल्द संपन्न होने जा रही है। दरअसल काफी समय पहले से ही भारतीय रेलवे द्वारा डीजल इंजन को मॉडिफाई करके उसे हाइड्रोजन पावर्ड कन्वर्ट करने के लिए मॉडिफिकेशन का काम शुरू करवा दिया गया था, और इसके लिए बताया जा रहा था कि हैदराबाद स्थित मेधा को ये काम सौंपा गया था इंडियन रेलवे द्वारा, और काफी कम कीमतों पर ये हमें हमारा काम करके दे रहे थे, जिसके लिए लागत आ रही है केवल 70 करोड़ रुपए। और अब बताया जा रहा है कि इस साल के अंत से पहले हमारे भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलने जा रही है। जी हां, इसके ट्रायल रन अब शुरू कर दिए जाएंगे, जिसमें बहुत मुश्किल से अब 5 से 6 महीने का समय और बाकी है, और बताया जा रहा है कि ये ट्रेन शुरू होने जा रही है हरियाणा के जिंद जिले से। जी हां, इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है क्योंकि भारत का पहला हाइड्रोजन प्लांट हरियाणा के इसी जिंद जिले में स्थित है, इस वजह से हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत भी इसी जिले से की जाएगी। और अभी तक इस तरह की ट्रेन्स केवल जर्मनी के अंदर चला करती थी, और एक्चुअली जर्मनी के अलावा पूरी दुनिया ही इसे काफी बारीकी से ऑब्जर्व कर रही थी, क्योंकि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन्स भी पूरी तरह से इको फ्रेंडली होती है और किसी तरह का कोई भी कार्बन का उत्सर्जन नहीं करती है। तो ये भविष्य का एक सिस्टम माना जा सकता है, जहां पर आप अपनी ट्रेन्स को इलेक्ट्रिफाई नहीं कर सकते वहां पर हाइड्रोजन ट्रेन्स का इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा उपयुक्त रहेगा। अब भारत ने दुनिया की तरह केवल देखा नहीं बल्कि उसके ऊपर एक्चुअली काम करना शुरू कर दिया, और अब देखिए कि 2023 के अंत में हम लोग इसको शुरू भी कर देंगे। और जी, जो मैंने आपको बताया कि हरियाणा के जिंद जिले में हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है, जो कि देश का इस तरह का पहला प्लांट है, यहाँ पर पानी से हाइड्रोजन को बनाया जाता है, और इससे संबंधित अधिकारियों द्वारा भी ये बताया जा रहा है कि इस प्लांट का जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल अपने अंतिम चरणों में पहुंच चुका है। तो ट्रेन का जो मॉडिफिकेशन था वो भी अंतिम चरणों में पहुंच चुका है और हाइड्रोजन प्लांट का भी। तो अल्टीमेटली 2023 के अंत से पहले पहले ये दोनों ही चीजें हमारे पास होगी और हम इसके ट्रायल रन शुरू कर पाएंगे। और शुरुआत जैसा कि मैंने आपको बताया कि हरियाणा से ही होगी, तो हरियाणा के जिंद जिले से सोनीपत के बीच में ये हाइड्रोजन ट्रेन शुरुआत में चलाई जाएंगी। उसके बाद जब इनके अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे तो हम लोग उन दूर दराज के दुर्गम इलाकों में भी इन ट्रेन्स को संचालित कर पाएंगे, जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन करना हमें बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा लग रहा था। और फाइनली जो हमारा एम है कि 2030 तक इंडियन रेलवे को नेट जीरो की तरफ पूरी तरह से शिफ्ट होना है, तो वो सपना हमारा हर हाल में साकार होगा। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।